नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। बिहार में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 102 पर साइबर अटैक, हैकरों ने डॉलर में मांगा पैसे, ठप हो गई एम्बुलेंस की आवाजाही। बिहार में इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 102 का कामकाज काफी देर तक ठप हो गया। एम्बुलेंस सेवा के सर्वर पर हैकरों ने अटैक कर दिया, उसके सर्वर को हैक कर लिया गया और फिर डॉलर की मांग की गई। इससे आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा का पूरा कामकाज फिर ठप हो गया। मामले की प्राथमिकी पुलिस में दर्ज कराई गई है। दरअसल बिहार में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 102 का कामकाज आउटसोर्सिंग पर चलता है। सरकार ने इसका काम सम्मान फाउंडेशन और पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूशन को दे रखा है। हैकरों ने आपातकालीन सेवा के सर्वर को हैक कर लिया, इससे पूरा सिस्टम ही ठप हो गया। पहले तो एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने में लगे परेशान रहे, बाद में हैकर ने मैसेज भेजा, हमने सर्वर को हैक किया है, अगर इसे फिर से चालू करना है तो डॉलर भेजो। दरअसल 102 एम्बुलेंस सेवा का काम देखने वाली एजेंसी का दफ्तर पटना के पाटलिपुत्र इलाके में है। वहां के आईटी मैनेजर ने बताया कि जब हैकर्स ने सर्वर को हैक किया तो सारा सिस्टम बंद हो गया। बिहार सरकार के सिस्टम के साथ भी संपर्क टूट गया। सुशासन की सरकार का हाल, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, कहा बिहार के अधिकारियों ने दुस्साहस किया है, उनसे जुर्माना वसूला जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार और उसके अधिकारियों ने दुस्साहस किया है। बिहार के अधिकारियों के इस दुस्साहस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार पर 20,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने की दोषी है। दरअसल बिहार सरकार एक कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने पटना हाईकोर्ट में इसी मामले में दायर याचिका में आपसी समझौता कर दिया था। बर्खास्त कर्मचारी और सरकार के बीच आपसी समझौता होने के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया था, लेकिन बाद में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एसके कॉल और आरएस रेड्डी की खंडपीठ ने कहा कि हम बिहार सरकार की अपील को अदालती प्रक्रिया का पूरी तरह दुरुपयोग मानते हैं। यह गंभीर है क्योंकि एक राज्य सरकार ने ऐसा किया है, यह अदालत के समय की भी बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार सरकार की याचिका पर 20,000 रुपये का जुर्माना करते हैं। जुर्माने की राशि को 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप सी कर्मचारी कल्याण संगठन के पास जमा करा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार यह जुर्माना उन अधिकारियों को वसूले जो इस दुस्साहस के लिए जिम्मेदार है। बिहार में दुकानदारों के लिए बड़ी खबर, सभी को कोरोना वैक्सीन लेना जरूरी, नहीं तो सरकार वसूलेगी जुर्माना। देश भर में 1 अप्रैल से कोविड वैक्सीनेशन का फेज 3 की शुरुआत हो गई। इस चरण में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। बिहार में भी कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन सतर्क हो गया है। अब कोरोना वैक्सीन 45 उम्र के सभी दुकानदारों को लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सभी 45 वर्ष के ऊपर के दुकानदारों के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने के लिए निर्देश जारी किया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास भीड़ अधिक है और उसने कोरोना वैक्सीन नहीं ली है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दुकानदार से जुर्माना वसूला जाएगा। BDO डॉक्टर अभय कुमार ने अपने कार्यालय में बताया कि उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी का स्पष्ट आदेश है, इसका उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रखंड भर में लोगों की सुविधा के लिए कई केंद्र वैक्सीनेशन के लिए खोले गए हैं, जहां 45 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति टीका लगवा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश ने गया सीवरेज सिस्टम के कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश, बोले जल संरक्षण बहुत जरूरी। गया में नाली व जल निकासी की प्रणाली पर मुख्यमंत्री आवास पर CM नीतीश की अध्यक्षता में समीक्षा की बैठक का आयोजन किया गया। नगर विकास विभाग की इस बैठक में डिप्टी CM और नगर विकास विभाग के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद, जल संसाधन मंत्री संजय झा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने गया सीवरेज सिस्टम की वर्तमान स्थिति, प्रपोज्ड सीवरेज स्कीम, पॉपुलेशन एंड सीवेज फ्लो क्वांटिटी आदि की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में CM नीतीश ने गंगा जल उद्धार योजना के तहत गंगा नदी के पानी को संग्रहित कर शुद्ध पेयजल के रूप में राजगीर, नालंदा, बोधगया और नवादा में पहुंचाने की बात कही। जमीन खरीद बिक्री करने वालों को बड़ी राहत, सर्किल रेट बढ़ाए बगैर आज से रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज। राज्य में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने फिलहाल जमीन के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। राज्य सरकार को कई जिलों की समन्वय
समिति की तरफ से भेजे गए सर्किल रेट में वृद्धि के प्रस्ताव को विभागीय सचिव ने लौटा दिया है। इसके साथ ही पटना में भी जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया था वह खारिज हो गया है। अब पटना में जमीन का सर्किल रेट पुराना ही रहेगा। हालांकि जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए आज से नई सेवा की शुरुआत हो गई। अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी निबंधन कार्यालयों को अंचल कार्यालय से ऑनलाइन इंटीग्रेट कर दिया गया है। इस इंटीग्रेट सिस्टम से अब अंचल कार्यालय से ही जमीन के दाखिल खारिज भी हो जाएगी। जमीन निबंधन के दौरान दाखिल खारिज के लिए निबंधन अधिकारी को आवेदन पत्र देना होगा। बिहार में सरकारी डीजल बसों का बढ़ेगा किराया, कमेटी तय करेगी रेट, 5 अप्रैल के बाद होगी अहम बैठक। राज्य भर में डीजल से चलने वाले राज्य के सरकारी बसों का किराया बढ़ाने के लिए गुरुवार को बैठक होनी थी, लेकिन सदस्यों के नहीं आने से बैठक स्थगित करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव परिवहन विभाग को दिया है। किराए में कितने की वृद्धि हो यह किराया निर्धारण कमेटी तय करेगी। नया किराया दर अप्रैल से ही लागू होना है। राज्य भर में निगम के अधीन कुल 380 बसें हैं, इसमें से 360 बसों का परिचालन अभी भी हो रहा है। 20 बसों का परिचालन अभी तकनीकी कारणों से नहीं हो रहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर निगम ने बसों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। नियमानुसार निगम की ओर से इस बाबत राज्य परिवहन आयुक्त को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं किराया निर्धारण कमेटी की बैठक में तय होता है कि बसों का किराया कितना बढ़ाया जाए। हर पहलू पर विमर्श के बाद ही बसों का किराया बढ़ाया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स को नहीं देने होगी प्रैक्टिकल परीक्षा, सीबीएसई ने जारी किया निर्देश। सीबीएसई ने कोरोना संक्रमित स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षाओं में छूट देने का ऐलान किया है। सीबीएसई ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण प्रैक्टिकल परीक्षाओं में शामिल होने में असमर्थ है, उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षाओं में बैठने के लिए एक और विशेष अवसर दिया जाएगा। संक्रमित स्टूडेंट्स लिखित परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी कोरोना की पॉजिटिव जांच रिपोर्ट स्कूल में जमा करवानी होगी। कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़ने के कारण बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। 5 अप्रैल तक घोषित हो सकता है परिणाम, बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम, तैयार होने वाला है टॉपर्स लिस्ट। बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2021 के परिणाम रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने अभी नहीं मैट्रिक रिजल्ट जारी होने के आधिकारिक डेट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अप्रैल के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होने की बात रही है। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट जारी होगा। बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि टॉपर्स की सूची और सत्यापन की तैयारी 31 मार्च के बाद की जाएगी। कॉपियों का मूल्यांकन 12 से 24 मार्च तक पूरा कर लिया गया था। बिहार बोर्ड दसवीं परीक्षा 2021 का आयोजन 17 फरवरी से 24 फरवरी 2021 तक किया गया था। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा के लिए इस बार 837,803 लड़कों और 846,663 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर चिल्लाने वालों की खैर नहीं, अब तुरंत हो जाएगा एक्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल आखिर कब बजेगा, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। चुनाव की घोषणा को लेकर पेच ऐसा फंसा है कि उम्मीदवार टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्र और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान केंद्र और उसके आसपास विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। आयोग के मुताबिक मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन के भीतर या प्रवेश द्वार पर उसके आसपास किसी तरह की सार्वजनिक या निजी स्थान में अगर कोई चिल्लाएगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए गाइडलाइन तय किया गया है। मार्च महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, पटना और गया में झुलसे लोग। प्रदेश में अचानक से मौसम का मिजाज बेहद सख्त हो चला है। पिछले 2 दिनों में पारा तेजी से ऊपर चढ़ा है और 4 डिग्री तक की उछाल पिछले 48 घंटे में दर्ज की गई है। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जबकि न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री रहा। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म गया शहर रहा।
गया में अधिकतम तापमान 41.48, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गया का पारा सामान्य से 6 डिग्री ऊपर जा पहुंचा है। पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है, जबकि भागलपुर में अधिकतम तापमान मंगलवार को 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्णिया में 32 डिग्री और वाल्मीकि नगर में 36 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।